कुछ चर्चा ही करते रहो, बात करते रहो, कुछ रिकॉर्डिंग बना रहे हैं क्या? हाँ रिकॉर्डिंग बना। अच्छा तो इसमें यूरिया कितनी बार डाल चुके हैं अंकल आप? बस एक बार, दूसरा सर्वे है ये। दूसरा सिंचाई कितनी कर चुके हैं आप? सिंचाई बस एक सिंचाई की थी। अच्छा आज के 10 दिन बाद दूसरी सिंचाई करेंगे। 19-20 में हमने वर्षा के लिए बताया था तो आप उस समय सिंचाई तो नहीं किए थे ना? अच्छा वर्षा हुई? हाँ वर्षा हुई, नॉर्मल लाभ हुआ आपको? हाँ लाभ हुआ। अच्छा आप बता गए थे तो हमने सिंचाई नहीं की थी। हाँ हाँ सिंचाई हो गई होती। हाँ हाँ तो अभी तो खाद के लिए अभी ये जो छिड़काव कर रहे हैं ये तो अभी फायदा कर ही जाएगा। हाँ, खेत में नमी है, नमी है, फायदा कर जाएगा। अच्छा आज के 8 या 10 दिन बाद फिर हम सिंचाई करेंगे, हम दूसरी सिंचाई। अच्छा वैसे आपको ये सिंचाई से आपको बचाव हो गया तो कितने मतलब की रुपए की आपको फायदा हुआ है, नुकसान फायदा हुआ? पहली बात तो ये है कि पहला पानी दूसरा पानी फसल में हल्का लगना चाहिए। अच्छा ये फायदा हुआ है, पैसे वाली तो बचत कम रही। बम्बे का ट्यूबवेल पानी का तो ज्यादा लग जाता। ये हल्का पानी चाहिए, स्प्रे होता है ना उसमें। हाँ स्प्रे यू। तो ये सिंचाई न करने तो ऊपर वाला पानी कम मिले तो ज्यादा फायदा है, नीचे वाले पानी ज्यादा मिले उसे नुकसान है। हाँ इसमें क्योंकि नाइट्रोजन की भी कमी जो होती है तो इसमें वर्षा के पानी में पूरी हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हुआ। हाँ बेनिफिट हुआ, ये 8 दिन से जो बरसात हो गई, बरसात भी हुई है। हाँ। और ये जो है हल्की बरसात से और ये सर्दी से। हाँ हाँ। पूरा पूरा फायदा हुआ। अगर बरसात ना हुई होती और ये बूंदाबांदी ना होती तो नुकसान था गेहूं की फसल का। चलिए ठीक है, फिर भी आपका मतलब इंजन से या ट्यूब वेल से जहाँ से कहीं ना कहीं आपको प्राकृतिक रूप से अगर मिल गई, वर्षा हो गई तो आपको लाभकारी हुआ। लाभकारी हुआ। चलिए ठीक, बहुत अच्छा।